आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। किंतु इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश, किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा। आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा, कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। गोस्वामी जी, हम समझ गए, जन्म से ही एक व्यक्ति के लिए उसके कर्मों का निर्धारण हो जाता है। हम समझ गए हैं कि नियति ने हमारे लिए संन्यास नहीं, मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करना ही लिख दिया है। गोस्वामी जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, सदैव। राम जी की कृपा पर सदा बनी रहे। कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे बस कीजिए बेगम साहिबा गुदगुदाना, हम मर जाएंगे हम हंसते हंसते। या अल्लाह, फिर कभी अपनी जुबान पे ऐसे बदसुकनी अल्फाज मत लाइएगा। अच्छा नहीं लाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वजन हमारे पैरों पर डालें। जी वैसे आपके पैरों पे वजन तो अब हम पीर बाबा के दीदार के बाद ही डालेंगे। और वो क्यों? क्योंकि पीर बाबा के यहाँ तो नंगे पैर चलना पड़ेगा ना। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलेंगे नंगे पांव ही चलेंगे। बहुत बड़े आलिम हैं, आपकी जो भी दुआएं होंगी, जो भी मन्नतें होंगी, वो सब पूरी हो जाएंगी। शहंशाह अजमेर से वापस आ गए हैं क्या? नहीं, उनकी बात छोड़ी, हम यहां आपसे मिलने आए हैं।
अब हमसे क्या चाहिए आपको सलीमा बेगम? हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी खेल चुके। करेंगे मुझसे शादी? शादी? ये क्या मजाक कर रही हैं आप सलीमा? या फिर से कोई चाल चल रही हैं आप हमारे साथ? ना कोई मजाक, ना कोई चाल, ये हमारा अच्छी तरह सोचा समझा फैसला है। लेकिन इससे पहले कि आप हाँ कहें, हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको इसी लम्हे के बाद जो भी पहली चांद तारीख मुनासिब मिले फौरन हमसे आपको निकाह पढ़वाना पड़ेगा। कबूल है? महफूज खान साहब काफी करीब हैं, शहनशाह अकबर के। हाँ सही सुना है। ये मुगल काशी में क्या कर रहे हैं? कैसे आना हुआ कुल प्रताप? आयुष्मान भव। आचार्य जी, आपने हमें बताया नहीं कि मुगल काशी भी पहुंच गए। तो आपको मुगल देखने लग गए कुंवर प्रताप। अर्थात? अर्थात आपके मन पे छाया वैराग्य भाव हट गया है और आपके अंदर का वीर योद्धा पुनः जाग गया है कुंवर प्रताप। हम कुछ समझे नहीं कुंवर प्रताप। मुगल सैनिक तो हैं तभी थे जब आप पहले यहाँ आए थे, किंतु तब आपको दिखाई नहीं दिए। तब आपका लक्ष्य था वैराग्य और अर्जुन की भांति आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ थे। और यदि अब आपको मुगल सैनिक दिख रहे हैं तो हमें इस बात की संतुष्टि है। इस धरती को अपना खोया हुआ वीर पुत्र पुनः मिल गया। किंतु ये मुगल यहाँ आए कैसे? मुगलों को यहाँ आया भी अधिक समय नहीं हुआ। एक एक कर रियासतों पर विजय पाने के पश्चात मदमस्त हाथी की भांति अकबर काशी की ओर बढ़ा। उसका प्रवेश रोकने के लिए काशी नरेश ने मुख्य द्वार बंद करने का आदेश दे दिया। तोड़ दो काशी का दरवाजा।
ऐसा नरसंहार काशी ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। उस समय आपकी माता देवंताबाई जी भी हैं थी, वो भी इस नरसंहार की साक्षी थी, किंतु सफलतापूर्वक यहां से निकलने में सक्षम रहे। मुगलों का विनाश। आपके दीदारे पाक से बहुत खुशी मिली है बाबा। तू कौन? मैं कौन? जो भी है फकत अल्लाह है, उसी का नूर हर जर्रे में है, उसी का जलवा हर इंसान में है, उसी का करम उसी की रहम है, बाकी सब देने वाले तो वो है, हमारे श्री राम, वही सबके दाता है। हम सब भिखारी हैं उनके दरबार पर। जो भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है, सब उसी का दिया हुआ। रहम दिल बन, हर इंसान पे रह रह, तेरे दिल में रह रह, फिर देख कैसे तेरी तरक्की होती है, हर कामयाबी कैसे तेरे कदम चूमती है। जा जा, अल्लाह तुझे फतेह याद रखे। आमीन आमीन। क्या सोच रहे हैं बैरम खान, करेंगे हमसे शादी? क्या सोच रहे हैं बैरम खान, करेंगे हमसे शादी? कल ही आपसे निकाह करेंगे। मुगलों के विनाश का आरंभ अब इस पावन धरती से ही होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप, भूल गए आप तो स्वामी तुलसीदास जी ने आपसे क्या कहा था? कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुलसीदास जी त्रिकाल दृष्टि संत, अवश्य उन्होंने कुछ देखकर आपसे चित्तौड़ जाने के लिए कहा होगा। आपको इसी क्षण चित्तौड़ चले जाना चाहिए। यदि समस्त राजपूताना एक हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से मुक्त हो जाए। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं गर्भवती हूँ भाई, मुझे बचाओ, भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे मुझे जाने दो, मुझे तो बचाओ, ए भाई मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, छोड़ दो मुझे, मत बचाओ। Ha 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 ha
आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मजा तो अब आएगा। पीछे आ जाइए। मारो इसे, लाठी दीजिए और आप पीछे आके खड़े हो जाइए। अरे है कौन तू, तू जो अपनी मौत को बुला रहा है? स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन हैं। तुम्हारा विनाश,